बाबूलाल मरांडी ने तीसरी प्रखंड के दो अलग अलग जगहों पर अस्पताल भवन और सड़क निर्माण का किया शिलान्यास। हेमंत सरकार पर साधा जमकर निशाना। पहला शिलान्यास प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा लगभग 10 करोड़ की लागत से बनने वाले अस्पताल भवन का, तो दूसरा शिलान्यास बरवाडी पंचायत में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा लगभग 4.93 करोड़ की राशि से बनने वाले घंघरीकुरा से हरनी होते हुए बरवाडी भित्ता तक बनने वाले 7 किलोमीटर लंबी सड़क का किया। वहीं घंघरीकुरा में अपने संबोधन में श्री मरांडी ने कहा कि सरकार किसी का घर नहीं चलाती है, बल्कि सरकार का काम है स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, आवास और रोजगार आदि की सुविधा घर घर तक उपलब्ध कराना। लेकिन सूबे की वर्तमान सरकार इन सभी मुद्दों पर फेल है। मेरे मुख्यमंत्री काल में 3,000 करोड़ रुपए के बजट में ही पुल, पुलिया, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार की सुविधा मुहैया करवाई थी। आज 1,00,000 करोड़ रुपए का बजट है, वर्तमान सरकार केवल लूटने में लगी हुई है। श्री मरांडी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि झारखंड में जब भाजपा की सरकार बनेगी उस दिन एक भी गांव कच्ची सड़क वाली नहीं होगी और न ही इसके लिए किसी को कोई आवेदन देने की आवश्यकता होगी। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, समाज सेवी सह संवेदक निरंजन राय, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर महेश्वरम, कामेश्वर पासवान, उषा देवी, जिला परिषद सदस्य रामकुमार राउत, भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर, उदय साव, बरवाडी मुखिया डोमीलाल महता, विधायक प्रतिनिधि राजेश राम, सांसद प्रतिनिधि थाना सुनील साव, चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविन्द्र पंडित, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कपिल कुमार यादव, सुनील शर्मा, सुनील सेठ, प्रकाश पासवान, कौलेश्वर सिंह, रामचंद्र यादव, सतीश कुमार सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। उसके बाद धनवार से तीसरी गांव यहाँ कोई फॉरेस्ट वालों को घुसने दे नहीं देना। आप लोग सब तैयार है ना माँ बाप? नहीं तो सबको परेशान कर दिया, सबको तकलीफ कर देता है, परेशानी हो जाती है, एक सड़क नहीं बनता है। भाई गांव घर के लोग रहेंगे जंगल के किनारे तो वहाँ सड़क पे जाल होते कि नहीं होते, सड़क बने होते कि नहीं होते? अब वो बनने नहीं देता है, कहता है कानून बात करता है। हम लोग भी कानून जानते हैं, उतना तो हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन डीओपी तो उतना नहीं, तो कम से कम थोड़े बहुत तो हम लोग भी पढ़ा हुए हैं स्कूल में। लेकिन आप उतना नहीं काम करने देगा, कैसे काम चलेगा? तो इसलिए आप सब लोगों को आप तैयार रहना पड़ेगा लड़ने भिड़ने के लिए, तभी होगा। पहले भी हम लोग खूब लड़े थे, अब सब लोग सोच गया कि हम नहीं लड़ रहे, भालू पक गया, अब लड़ने का नहीं, अभी भी दमखम है लड़ने के लिए, समझे? ये लोग ऐसे फॉरेस्ट वाले समझते हैं, सरकार समझती है ऐसे ही, तो क्या अब ऐसा नहीं चलेगा? अब हमने कहा कि सर दुर्गा पूजा हो गया, बढ़िया से मना लीजिए, पूजा के बाद आएंगे रुधिर रोक करके एक बार उन लोगों के ठिकाना सबको ठीक करना पड़ेगा, तभी ये काम होगा, नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा। हम यही बताने के लिए सिर्फ खड़े हुए थे, बाकी काम तो हम बोले हैं कि सरकार जब बीजेपी की बनेगी तो कोई आप लोगों को सड़क की आवेदन नहीं देना पड़ेगा, बिना आवेदन दिए ही सब गाँव में हो जाएगा। जब बीजेपी की सरकार बनी थी अटल जी की, जब पिछले सरकार थी, आज देश में मोदी जी की सरकार है। हाँ, देश के क्या कोरोना काल में किसी को कोई कहना पड़ा कि हमको टीका दीजिए बिना पैसा के? किसी को नहीं ना कहना पड़ा, बल्कि खोज खोज करके सबको मिलता है टीका और लेने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी जब नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई सब गांव में नल से जल होगा, लेकिन ये सरकार वो कुछ काम ही नहीं कर रही है, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। आप काम कराने के लिए हम लोगों को धंधे लेकर के तैयार रहना पड़ेगा, तभी ये काम होगा, तभी हम लोगों की आवाज को सरकार सुनेगी।